हेलो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में यहाँ पे आपको फाइव मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है इसका मतलब हम लॉजिक का कर डिस्कशन करने वाले हैं उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि कल के दिन आप किस तरीके से पैसे बना सकते हैं किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं क्योंकि कल के दिन है एक्सपायरी तो प्रीमियम काफी सस्ता रहेगा तो हम इजिली अच्छी क्वांटिटी के साथ एक बेहतरीन डिसेंट सा प्रॉफिट बना सकते हैं तो इसलिए एक एक लेवल को ध्यान से समझना पहले हम लॉजिक का डिस्कशन करते हैं आपको क्या बताया गया था कि जो 28 का डे है ये वहां पे आपको सेकेंड मई को सपोर्ट देखने को मिल रहा है और ये जोन आपको बताया गया था कि अगर आपको इस जोन का ब्रेकडाउन मिला तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है ये चीजें आपके साथ डिस्कस की गई थी अगर मार्केट इस पे सपोर्ट लेके यहां पे हैमर बना दे पिन बार बोलिस कैंडल बना दे तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे उसके बाद कुछ और चीजें भी डिस्कस की गई थी जैसे कि ये वाला जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट बताया गया था 40,100 आपके याद आया होगा इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको 43,000 का जोन आपको बताया गया था तो यहां पे सिचुएशन क्या हुई मार्केट ने सीधे आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी और अगर हम पहली कैंडल को ऑब्जर्व करें तो इस पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है फोर्टी तो यानी कि एक गैप डाउन ओपनिंग हमें मिल चुकी है पहली बात हमें समझ में आ गई दूसरी ये गैप डाउन ओपनिंग एक सपोर्ट लेवल पे मिली है तो यहां पे अगर हमें हैमर मिल जाता या पिन बार बुली स्कैंडल बन जाती तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते थे लेकिन वो सिचुएशन भी नहीं बनी क्योंकि हमें बियरी स्कैंडल दिखाई दे रही है और मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है तो क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि किस बियरी से मार्केट नीचे चला जाए तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और नीचे की तरफ हमारा ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है केवल और केवल फोर्टी थाउजेंड तक ही फोर्टी थ्री थाउजेंड तक ही सॉरी फोर्टी थाउजेंड निकल गया फोर्टी थ्री थाउजेंड तक ही क्योंकि एक राउंड लेवल है हम राउंड लेवल पर जाते ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और फिर वहां पर देखते हैं क्या प्राइजेक्शन बन रहा है अगर यहां पे कोई पैटर्न बन के ब्रेक डाउन मिल जाता तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करते फिर वही बात हैमर मिल जाता है या पिन बार कैंडल मिल जाती है उस पैटर्न का ब्रेकआउट मिल जाता तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करते लेकिन ऐसा कुछ सीनेरियो बना ही नहीं बियरी स्कैंडल बनी लेकिन मार्केट उस बियरी स्कैंडल से नीचे गया ही नहीं आप यहां पे साफ साफ देख सकते हैं तो अब हमें तलाश है कि भाई मार्केट हमें कोई पैटर्न बना के दे या फिर कोई सेटअप बना के दे हमें हमारे पास कुछ चीजें आ चुकी हैं पहली जो चीज हमारे पास आई अब हमारे पास ट्रेडिंग डे लो मिल चुका है यह हमारा हाई हो चुका है ट्रेडिंग डे हाई सिर्फ इसी जोन की इसी एरिया की मैं बात कर रहा हूं हमारे पास दो चीजें आ चुकी है अगर मार्केट इस बियरी स्कैंडल से नीचे जाएगा तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज फोकस करते गया नहीं गया तो क्या हम बाइंग कर ले बाइंग भी नहीं कर सकते क्योंकि जब तक इस पहले वाली कैंडल का मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता हम बाइंग भी नहीं कर सकते बाइंग का भी ऐसा कोई कंफर्मेशन हमें मिल नहीं रहा क्योंकि अगर बाइंग का सिनेरियो बनता तो हमें पता है अगर मार्केट इस जोन पे सपोर्ट ले रहा है तो ये हमारे लिए रजिस्टेंस बन जाएगा क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मार्केट देके चलता है तो वो रजिस्टेंस एक्ट करता है ये चीजें हमें पता है तो इसलिए हमारा यही टारगेट बन जाएगा लेकिन अभी हमें ऐसा सिनेरियो नहीं नजर आ रहा बाइंग का सिनेरियो किस कैंडल ने बना के दिया ध्यान से देखो तीसरे वाले कैंडल को आपको एक हैमर दिखाई देगी इस तरीके से कैंडल दिखाई दे रही है कि नहीं बेहतरीन लोअर सेडो बायर्स एक्टिव होते हुए तो क्या बाइंग कर ले बिल्कुल भी नहीं अभी भी नहीं कर सकते हम बाइंग क्यों नहीं कर सकते कैंडल बेहतरीन बनी है सपोर्ट लेवल पे बनी है 43,100 पे देखो चीजें कंफर्म होती जा रही है सपोर्ट लेवल पे बनी है हैमर बनी है बुलिस आपको एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बुलिस कैंडल आपको बनती हुई यहां पे दिखाई दे बाय एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन लेकिन एक समस्या अभी भी है इसने जो ये पहले वाली कैंडल है जो हमारे लिए एक ट्रेडिंग डे हाई बना हुआ है इसका ब्रेकआउट नहीं दिया है भले कैंडल बहुत अच्छी बन गई लेकिन अभी हमें ब्रेकआउट नहीं मिला है और कैंडल की क्लोजिंग पे ही जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं बनता तब तक एंट्री लेना समझदारी नहीं है तो मार्केट ने आपको घुमाया फिर अगली कैंडल देखो अगली कैंडल देखो लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया ब्रेकआउट दिया इस वाले कैंडल पे और ब्रेकआउट मिलते ही हमें मिल चुका सिग्नल क्योंकि सिग्नल तो पहले ही मिल चुका था हम रेडी हो चुके थे लेकिन इसने प्रॉपर कंफर्म कर दिया कि भाई अब आप बाइंग ले सकते हो सिग्नल किस कैंडल पे बना था इस वाली तीसरे वाली कैंडल पे बन गया था और इस वाली कैंडल ने कंफर्म कर दिया ब्रेकआउट दे दिया मोमेंटम आया सीधे 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 आपका यहां तक के जोन का टारगेट अचीव हुआ सीधे, सीधे काफी बेहतरीन था अब यहां तक के मोमेंटम को आपने पकड़ लिया आपको एंट्री मिल चुकी है क्या एंट्री मिली ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली आपको एंट्री बन चुकी है हैमर वाली है आपको एंट्री बन चुकी है दो स्ट्रेटेजीज ने आपके लिए काम कर दिया है अब यहां से भी आप देखेंगे आपको रिजेक्शन स्कैंडल दिखाई दे रही है कहां पे दिखाई दे रही है प्रीवियस डे लो पे ध्यान से समझो तो यहां पे आपको प्रीवियस डे लो के रिजेक्शन वाली स्ट्रेटेजी काम कर रही है यहां पे मार्केट मैंने क्या कहा था कि भाई प्रीवियस डे लो हो प्रीवियस डे हाई हो ट्रेडिंग डे लो हो ट्रेडिंग डे हाई हो अगर मार्केट इन्हें नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए नजर आएंगे अगर ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करते हुए नजर आएंगे तो मार्केट ने यहां पे क्या एक्ट किया है रजिस्टेंस की तरह एक्ट किया चलो कोई अगर इन्हें नहीं पहचान पाया यहां पे एंट्री नहीं ले पाया यहां पे तो एंट्री मिल रही थी आपको अब यहां पे ध्यान से फिर से समझो अगर किसी ने लास्ट वाली वीडियो का लॉजिक ध्यान से देखा होगा मैंने आपको ये चीजें बताई थी दो सेम अपॉर्चुनिटी मिली थी आपको यही सेम अपॉर्चुनिटी आज भी आपको मिली है ध्यान से देखो एक ट्रेंड लाइन जिसकी मार्केट एज जिस ए रजिस्टेंस रेस्पेक्ट कर रहा है पहली चीज कंफर्म होगी दूसरी मार्केट यहां पे भी ध्यान से देखो मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था सेम ही लेवल पे यहां पे भी देखो उन्हीं जोन पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है यानी कि अपने ट्रेडिंग डे लो के आसपास मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे रहा है तो तो आपके लिए सीधा सीधा टारगेट क्या क्या बनता है है ट्रेडिंग डे हाई तो क्या अचीव हुआ है? बिल्कुल अचीव हुआ है ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट भी मिला है आपको बेहतरीन प्रॉपर एंट्री करने का मौका दिया है प्रॉपर आपका स्टॉप लॉस लग रहा है सीधा सीधा टारगेट आपके हाथ में आपके आंखों के सामने है उम्मीद है आपको लॉजिक पसंद आ रहे हैं अगर लॉजिक पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक जरूर कीजिएगा 5000 लाइक टारगेट में रखता हूं जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर देना और कमेंट करके बताना कि लॉजिक पसंद आ रही है कि नहीं और देखो चीजें रिपीट होती है अगर ध्यान से समझोगे कभी मार नहीं खाऊंगे यहां पे देखो एक ही दिन में दो बार रिपीट हुई और आज भी सेम ही यानी कि अगले दिन भी सेम ही चीज रिपीट होगी ठीक वैसे ही सपोर्ट बना यहां पे भी आप देखो सपोर्ट बना सेम वैसे ही ट्रेंड लाइन बनी सेम वैसे ही आपको यहां पर देखोगे ब्रेकआउट मिला और सेम वैसे ही यहां पर भी टारगेट वही था ट्रेडिंग डे हाई वाला और यहां पर भी टारगेट सेम ही था ट्रेडिंग डे हाई वाला इसीलिए तो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है क्योंकि सेम चीजें लगभग लगभग रिपीट होती है कई बार मैं आपको दिखाता हूं कि भाई प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है बार बार मैं आपको रिपीट करता रहता हूं प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है बार बार मैं रिपीट करता रहता हूं इसलिए मैंने प्रॉपर कोर्स डिजाइन किया हुआ है फिलहाल तो ऑफर तो खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा अगर आप इन स्ट्रेटजीज को समझना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से कहाँ पे एंट्री ली जाती है कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होता है कहाँ पे आपका टारगेट होता है विद एग्जाम्पल आपको समझाया गया और यहाँ पे भी मैं आपको बताता रहता हूँ देखो यहाँ पे मैं आपको ये तो नहीं बता सकता क्या एंट्री बनेगी क्या स्टॉप लॉस बनेगा क्या टारगेट बनेगा क्योंकि ये तो फिर उन लोगों के लिए गलत हो जाएगा जो कोर्स ज्वाइन करके बैठे हैं ठीक है कुछ चीजें छिपानी पड़ती है पर लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि ध्यान से समझोगे तो चीजें आपको रिपीट होती हुई दिखाई देगी बस आपको ध्यान ये रखना है कि कब एंट्री लेना है कब इग्नोर करना है और कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताता रहता हूँ फिलहाल मैं आपको आगे लेके चलता हूं और यहां पर डिस्कशन करते हैं हम नो ट्रेडिंग जोन का कल के लिए हमें क्या तैयारी करनी है उन चीजों को समझ लेते हैं यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई देगी नीचे वाली लाइन की बात करेंगे फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर की ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे फोर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी फोर की जो कि हमारे लिए क्या है थर्ड का डे हाई है कल क्या एक्ट करेगा ये प्रीवियस डे हाई के रूप में आपको ये एक्ट करता हुआ दिखाई देगा जब तक मार्केट इस जोन में दिखाई देगा आपको मार्केट में कोई भी पोजिशन नहीं बनाए आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है अब यहां पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज समझाऊंगा मुझे एक अच्छा कमेंट आया कल मैं क्या कहता हूं आपको अक्सर मैं ये कहता हूं कि आप यहां पे अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है तो डे हाई तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं अगर डे क्लोज से मार्केट नीचे चलता है तो आप इस जोन तक स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं तो उस भाई ने क्या कमेंट किया कि यहां पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कौन स्केल्पिंग करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कौन स्केल्पिंग करता है आप गलत बता रहे हो देखो दोस्त गलत कुछ नहीं है मैं कब कह रहा हूं कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्के्पिंग करो मैं कब कह रहा हूं कि आपको फाइव मिनट के टाइम फ्रेम पे स्के्पिंग करो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर आपको स्केल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो स्केल्पिंग के सेटअप अलग होते हैं स्केल्पिंग का टाइम फ्रेम अलग होता है समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं तो उन चीजों का ध्यान रखो आप बातों को समझते नहीं हो और सिर्फ अपनी ही एक थ्योरी बना के उससे आपका ही लॉस हो रहा है समझ रहे हो ना स्के्पिंग के सेटअप ही अलग होते हैं अलग टाइम फ्रेम होता है चीजें एकदम अलग होती है तो यहां पे उन चीजों को ऑब्जर्व किया करो आपको बताया नहीं जा रहा कि आप इसी पे ही स्केल्पिंग करो समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तो की अलग चीजें हैं यहां पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे पहली चीज हम ऑब्जर्व करेंगे जो हम यहां पे समझ रहे हैं जहां पे आज का डे हाई बना है जहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है वहां पे हमें मार्केट पहले सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया था तो ये हमारी एक तरीके से मदद करेगा प्रॉपर एंट्री करने में क्योंकि अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आ गया और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया किसका ब्रेकआउट दे दिया थर्ड के डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया जो कि हमारे लिए प्रीवियस डे हाई है तो आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा प्लस यहां पे जो मार्केट एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर रहा है इस सपोर्ट जोन का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा जो कि अब हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन बन चुका है क्योंकि हम जानते हैं सपोर्ट था ब्रेकडाउन मिलती है वो रेजिस्टेंस की तरक्ट करेगा साथ ही साथ सेकेंड के डे लो का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है साथ ही साथ 28 का डे हाई भी आपको यहीं पे कि इस जोन में काफी कुछ हुआ हुआ है और हमें सारी चीजों का ब्रेकआउट मिल रहा है तो इस सिचुएशन पे जो सेकंड का डे हाई है ये आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा या फिर अगला टारगेट आपका इसी जोन में बनता हुआ नजर आएगा यहां तक चीजें क्लियर होगी वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट दिखाता है आपको नेगेटिव मोमेंटम उस सिचुएशन पे हम क्या देखेंगे उस सिचुएशन पे आपको इंतजार करना है 43,224 का और जो आपके लिए सपोर्ट जोन बनेगा वो इस वाले जोन बनेगा, 43, में बनेगा 43,100 में अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो फोर्टी थ्री थाउजेंड यहां तक के मोमेंटम आपको देखने को मिल सकते हैं के जोन में जाते ही एक बात ध्यान रखना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना और फिर यहां पे देखना क्योंकि अपना ध्यान मत भटकाना क्योंकि अगर मार्केट ने इस जोन का ब्रेकडाउन दिया तो आपको थर्ड के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा यानी कि प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी एक्टिवेट होती है इसी के अकॉर्डिंग आप एंट्री ले सकते हैं स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं मगर क्या सिचुएशन आएगी फिर से वही बात ध्यान रखने वाली बात है कि एंट्री लेने से पहले नजदीकी सपोर्ट देख लो नजदीकी सपोर्ट हमारा बहुत ही नजदीक बैठा हुआ है 43000 पे ही बैठा हुआ है या तो आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ इस सपोर्ट तक होना चाहिए नहीं तो इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन या इस सपोर्ट पे सपोर्ट लेने का इंतजार कर लो या तो मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए या फिर इसका ब्रेकडाउन देके चल पड़े क्या प्रोजेक्शन बना रहे हैं वो सिचुएशन पे एंट्री लेना बेहतर होता है तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है वहीं पर बात करें अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है उस सिचुएशन पे हम अपना फोकस रखेंगे किस वाले जोन पे फोकस रखेंगे हम जो ये सेकेंड मई का डे हाई बना हुआ है इस जोन पे फोकस रखेंगे अगर इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे तो कोशिश करना आपको यहां से रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले ज्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी वो रहेगी क्योंकि हमने सेकेंड मई को भी देखा है कि मार्केट ने एक बेहतरीन रिजेक्शन दिखाया है मार्केट ने बार बार इस लेवल का ब्रेकआउट देने की कोशिश किया लेकिन दे नहीं पाया अगर आपको यहां पे बियर इस कैंडल बन मार्केट उससे नीचे आता हुआ दिखाई देता है तो थर्ड के डे हाई तक आप टारगेट लेके चल सकते हैं यानी कि प्रीवियस डे हाई तक ठीक है अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया तो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी लेकिन अगर यहां पे आपको बुलिस कैंडल देखने को मिल गई तो बेहतर ये रहेगा या तो मार्केट इस लेवल को एक बार रिटेस्ट कर दे फिर मोमेंटम दिखा दे अगर सीधे ही मोमेंटम दे रहा है तो एंट्री लेने की कोशिश मत करना एक प्राइज एक्शन बनने देना या फिर इस लेवल पे मार्केट ब्रेकआउट देके कुछ साइडवेज होकर फिर ब्रेकआउट देके चले तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा वहीं पे बात करें अगर आपको मिलती है गैप डाउन ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग में हम किस लेवल पे फोकस रखेंगे हम फोकस रखेंगे 43,224 पे पे अगर इस जोन पे आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है इस लेवल के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो यहां से हमें दोनों साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग साइड भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और सेलिंग साइड भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर यहाँ पे बियरी स्कैंडल देखने को मिली डे तो लो तक थर्ड के डे लो तक हमारा क्या रहेगा पहला सपोर्ट रहेगा इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो लेकिन अगर मिली हाई जो है, यहां तक आपका पहला ब्रेकआउट मिल गया जो सेकेंड मई का डे हाई है क्लियर हो गया अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइवेट पॉइंट की तरफ लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दू लाइक टारगेट फाइव लाइक का अगर तो आपने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो कमेंट करके बता दो एनालिसिस कैसे लग रहे हैं अगर आपको बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,368 पे नजर आ रहा है अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 43,450 पे आपको दिखाई दे रहा है अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो हमें तीसरा रजिस्ट्रेंस नजर आ रहा है तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दू आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है क्योंकि प्रॉफिट भी, भी आपको होने वाला है लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 43,500 पे दिखाई दे रहे हैं वहीं पे बात करें अगर बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है पे नजर आ रहा है अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है फोर्टी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी टू पे नजर आ रहा है अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है फोर्टी थ्री थाउजेंड फोर्टी फोर पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हो नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ थैंक यू